सुप्रीम कोर्ट की चौखट राहुल गांधी के राजनीतिक करियर की आखिरी उम्मीद थी। राहुल की उम्मीद नहीं टूटी, ना ज्यादा तारीखें लगी, ना इंतजार लंबा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की राजनीतिक वापसी हो गई। राहुल के साथ साथ कांग्रेस के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी है, ये दिखा सुप्रीम कोर्ट परिसर से लेकर संसद परिसर में। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। जब तक सजा के खिलाफ अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के लिए राजनीतिक हर दरवाजे खुल गए हैं। संसद से लेकर 2024 के चुनाव तक राहुल गांधी के सामने अब सारा जहां है। राहुल गांधी के पक्ष में सूरत कोर्ट का सजा सुनाने वाला फैसला ही सुप्रीम कोर्ट में ढाल बना। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने माना कि राहुल को दी गई 2 साल की सजा अधिकतम सजा है और ये जायज नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा दी गई। निचली अदालत ने ये कारण नहीं दिए कि क्यों पूरे 2 साल की सजा दी गई। जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। कम सजा भी तो दी जा सकती थी। अगर उन्हें 1 वर्ष 11 माह का समय दिया होता तो कोई अयोग्यता नहीं होती। ये मामला नॉन रेयरेस्ट कैटेगरी में आता है। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी थी, जिसे न केवल संसद से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, बल्कि 2 साल की सजा मिलने के बाद 6 साल तक वो चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए, यानी उस पर भी रोक लग गई। राहुल को राहत नहीं मिलती तो राहुल 2031 तक चुनावी राजनीति से बाहर होते। राहुल गांधी ने कई बार कहा कि वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मानहानि केस में इतनी ज्यादा सजा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को सजा देने और सजा को सही ठहराने वाली अदालतों के आदेशों पर भी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, दोनों अदालतों ने बड़े पैमाने पर पन्ने लिखे, लेकिन राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी, इस पहलू पर विचार नहीं किया गया। गुजरात हाई कोर्ट के जज का आदेश पढ़ने में बहुत दिलचस्प है। उन्होंने इसमें बहुत उपदेश दिए हैं। क्या नाम है जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया? कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का जो धारा 8 का जो सबसेक्शन 3 है, उसमें 2 साल का प्रोविजन है। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 8(3) सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। और जब नहीं अप्लाई होता है, ट्रायल कोर्ट ने जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया। आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है? क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की, वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाए। राहुल गांधी का वायनाड से सांसद होना भी काम आया। संसद सदस्यता जाने से राहुल वायनाड के सांसद नहीं रहे। वायनाड में उपचुनाव नहीं हुए और वायनाड से अभी भी कोई सांसद नहीं चुना गया। चुनाव आयोग को शायद आशंका थी कि राहुल सुप्रीम कोर्ट में राहत पा लेंगे, इसीलिए उपचुनाव कराने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। राहुल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। अगर कोई संसदीय क्षेत्र किसी सांसद को चुनता है तो क्या वो क्षेत्र बिना उसके सांसद के रहना ठीक है? बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी की ओर से केस लड़ रहे वकील महेश जेठमलानी ने राहुल के 2019 के कोलार वाले भाषण को सबूत की तरह पेश किया। कहा, 3 सीडी है, सीडी नंबर 2 में सबूत है, स्पीच को पूरे देश ने सुना है। राहुल गांधी का इरादा मोदी सरनेम वाले लोगों को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी यही सरनेम लगाते हैं। इस दलील पर जस्टिस गवई ने कहा, कितने राजनेताओं को याद रहता होगा कि वो क्या भाषण देते हैं। वो लोग एक दिन में 10 से 15 सभाओं को संबोधित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर राहत तो दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को सही नहीं माना। राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी।
पब्लिक लाइफ में सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आते आते पुनेश मोदी का केस इसीलिए भी कमजोर हो गया क्योंकि राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश कर दी कि पुनेश मोदी का सरनेम भी मोदी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि 13 करोड़ के इस छोटे समुदाय में जो भी लोग पीड़ित हैं उनमें से केवल बीजेपी के पदाधिकारी ही मुकदमा दायर कर रहे हैं। ये सब बहुत अजीब है। सूरत वाले केस में राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिल चुकी है। हालांकि अभी भी पटना रांची में भी मोदी सरनेम वाला केस राहुल के खिलाफ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका क्या होगा, नजर इस पर भी रहेगी कि अब पुनेश मोदी आगे क्या करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब जब राहुल की दोष सिद्धि और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अब अगला उनका कदम क्या होने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज तक। हमने याचिका फाइल की थी, बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए याचिका दी गई थी, वहां भी उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ, जो फैसला था हमारे पक्ष में आया। बाद में कन्विक्शन स्टे के लिए माननीय गुजरात की बड़ी अदालत हाईकोर्ट में भी कन्विक्शन स्टे के लिए उन्होंने याचिका फाइल की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे नहीं किया, फैसला हमारी और आया। बाद में नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्माननीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वहां हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। आज का जो भी कानूनी प्रक्रिया में जो भी सबजुडिस मैटर था उस पर जो बात हुई है, इसके बारे में हमारा एडवोकेट श्री हर्षित टोलिया जी आपसे बात करेंगे।